हर दूरी में न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा दिव्यांग। जिले में भ्रष्टाचार की जड़ कितनी गहरे तक जमी है ये देखने को मिली सदर तहसील में, जहां पर अपने पिता की मृत्यु के उपरांत विरासत बनवाने के लिए 6 महीने से लेखपाल के चक्कर लगा रहा है एक दिव्यांग। मामला हरदोई के सदर तहसील के गांव बहादुरपुर का है, जहां पर सुधील नामक दिव्यांग के पिता की मृत्यु 6 माह पूर्व हो गई थी। पिता की मृत्यु के पश्चात दिव्यांग सुनील द्वारा अपने गांव के लेखपाल राकेश श्रीवास्तव से विरासत करवाने के लिए प्रार्थना दिया गया। लेखपाल द्वारा सुनील से विरासत बनवाने के लिए 5,000 रुपये मांगे गए। दिव्यांग द्वारा लेखपाल को कुछ रुपए दिए भी गए, ऐसा कहना है दिव्यांग का, लेकिन लेखपाल ने दिव्यांग की विरासत नहीं बनवाई। पीड़ित दिव्यांग न्याय के लिए जिलाधिकारी सहित जिले के आला अधिकारियों की चौकट के चक्कर लगा लगाकर थक चुका है, परंतु किसी अधिकारी द्वारा उसे न्याय मिलता नहीं दिख रहा है। सुशासन की बात करने वाली भाजपा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का जनता के प्रति कैसा संवेदनशील रवैया है, भाजपा सरकार के सुशासन जैसे स्लोगन का मखोल उड़ाते नजर आ रहे हैं। अच्छे दिन का सपना देख रही जनता भाजपा सरकार में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। क्या मामला? मामला सुनील साहब भाई और हमारे पिता गुजर गए थे, लेखपाल थे विरासत बनवा, लेखपाल हमसे 5,000 रुपया मांगे, 2,500 रुपया उनका हम दिए, और 1 महीना बाद हम गए विरासत पूछे तो कहा लगे 70 रुपया दियो वो तो काम है, एक नंबर में छाड़ दिन, अब 2,000 रुपया दिया तब तुम्हारी विरासत हुई है। और DM साहब जो अप्लीकेशन दिए 30 तारीख कहीं तो 3 तारीख का फिर लेखपाल हमारे गाँव गए कहीं अवे लंगड़ा साले गाड़ी दे लगे और कहना हमका मरीब की अब कहीं जाओ जहाँ जहाँ जाओ अपनों को ही कुछ नहीं, हम बराबर दौड़े दौड़े साहब ऐसे घूम लूँ, हमारा कोई सुनवाही ना हुई रही। DMO साहब अप्लीकेशन दिए, कप्तानों साहब को दिए, ना कोई रिपोर्ट लिखत, ना साहब कुछ, बहुत परेशान हूँ।